मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। खूंटी जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9 महीने से बकाया लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है और 8 माह का पोषाहार की राशि भी भुगतान करने की मांग कर रही है। हुआ लेकिन सरकार ने नहीं निकाला, देखो पेपर दीजिए। पत्र में आया कि आप सेविका बंद है, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो हम आपको दिखा। ये है 15 फरवरी 2022 का, इसमें लिखा हुआ है कर्जा 38,000 के करीब है, लेकिन इनके लिए अब तक कोई निर्माणी सेविका आंदोलन की राह पकड़ ले। सेवा शर्त नियमावली तैयार की जाए या एक ऐसी निर्माणी होगी जी। हम लोग को जब आंगनबाड़ी का चयन होता है उस समय एक आंगनबाड़ी का ही 6 उद्देश्य के लिए हम लोग का चयन होता है। जब हम लोग आंगनबाड़ी में आ जाते हैं तो हम लोग को 36 को काम कराया जाता है, 1,000 से काम लगाया जाता है। जितने भी काम होता है सब बाहर से आते हैं, कोई भी योजना निकलता है सबसे पहले हम लोग को आंगनबाड़ी दीदी लोग को बुलाया जाता है और वहाँ हम ही लोग से पूरा काम लिया जाता है और ऊपर से NGO अपना इसीलिए हम लोग को जब काम 1,000 को लिया जा रहा है तो कम से कम उसका भुगतान भी तो अच्छी तरह से होना चाहिए, हम लोग का अच्छा दाम देना चाहिए, दाम होकर हम लोग को यहाँ पर एक धरना हम लोग रखा गया है। 6 प्रखंड से भी और रांची जिला से भी आए हुए हैं, बहुत ही मजबूर है। हम लोग को बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, मतलब आप लोग को सहार ले जाइए, परिवहन खर्च भी हम लोग को नहीं मिलता है। एकक सेविका अभी मजबूर हुई है, मतलब मजदूरी करने पर उतर गई है क्योंकि हम लोग का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मजदूरी करके वो अपना भरण पोषण कर रही है और अपना दवा दारू बहुत ही दिक्कत हो रहा है उन लोगों को अपना पेट पालने के लिए, अपना घर गृहस्थी। एकक ऐसी सेविका है कि वो अपना घर चलाती है, सेविका पुरुष काम तो नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग एकदम ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, खाने पीने तक नहीं रह जाता है और सेविका है कि वो उसको चारों तरफ से इनकम भी, कुछ तरफ इनकम नहीं है, केवल सेविका ही करती है। हम लोग का सेविका का काम 6 मतलब 4 घंटा का है लेकिन हम लोग 12 घंटा हम लोग से करती है। आज ऐसे मजबूरी आ गई कि आज बैठना पड़ा। सरकार की इस तरह की गलत नीति है कि आज काम कराते हैं, अगर 1 महीना काम किया तो चलेगा, नहीं वेतन मिला 2 महीना, आज 9 महीना से आप वेतन नहीं दे रहे हो, 1 महीना का वेतन दिया 8 महीना का बाकी रख दिया। पोषाहार जो है से बड़े बड़े अफसर अपने पर रिक्स नहीं लिए, रिक्स कौन किसको दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया। जो सेविका को 64,2 राज्य सरकार मिलकर के 64,2 रुपये पुराता है अल्प मानदेय भोगी, और आप जैसे उसको कहते कि उधार करे करके आंगनबाड़ी केंद्र के 3 से 6 वर्ष के बच्चे को नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। आप अगर नहीं करते हैं तो आप पर दबाव डाला जाता है कि उधारी करे करके खिलाओ। अपनी नौकरी बचाने के लिए आज 9-10 महीना से उधारी खिलाई और आज जैसे वो नौबत आ गया कि घर के जो है से अपना कर्ज ले करके चाहे खेत बंधी के रख करके आज जो है सो दुकानदार को, कोई दुकानदार मानेगा नहीं मानेगा। और आज जो है सो समस्या ये है कि आज सेविका जी को उपहार का पैसा मिल रहा है कितना, तो 3 महीना 2 महीना 2 1 महीना का मिला, तो इस तरह से हम दुकानदारी कैसे चलाएंगे, कैसे केंद्र चलाएंगे। सरकार से उपायुक्त महोदय से मेरा डिमांड है और सरकार से कि अगर आप नहीं है, अगर आप जो है सो नहीं देते हैं तो हम अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल तो है ही है, कलमबंद हड़ताल चल रहा है और 5 जुलाई से जैसे हड़ताल भी होगा। और मुख्यमंत्री से जो मांग है मेरा 9 सूत्री मांग, आपने जो कहा था 2019 में कि हमारी सरकार गठन होगी,
हम कुर्सी पर बैठेंगे तो हम आपका मांग को पूरा करेंगे। और आज 15 फरवरी को जब डिमांड करने लगे तो 15 फरवरी 2022 को एक पेपर समाचार पत्रों में आया कि हम आपको 13,000 देंगे, नियमावली बनाएंगे, लेकिन कहीं अभी तक कैबिनेट नहीं बना, ये कमेटी गठन नहीं हुआ। तो सरकार से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि आप अगर नहीं मेरा मांग को पूरा करते हैं तो हमारा आंदोलन पूरे झारखंड में 80,000 सेविका सहायिका सड़क बंद करेगी और उसका जवाब सरकार को देना होगा। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।